किसी को सबसे ज्यादा मार सहनी पड़ रही है ना, तो वो स्टूडेंट्स को और उनके बेचारे मासूम से टीचर्स को। ऑनलाइन पढ़ाने के नाम पर न जाने क्या क्या सीखना पड़ रहा है, और इतने सारे एप्स की नॉलेज रखो और उन्हें अपने उन बेचारे से फोन में इंस्टॉल करके रखो जो फोन ही हैंग करना शुरू कर देता है। और मैं अगर आप लोगों से कहूं कि आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आई हूं वन स्टेप सॉल्यूशन, एक ऐसा ऐप जहां पर टीचमेंट, आप चाहे आपका फी पूरा असेस करना हो, आपको किसकी फीस आ गई किसकी नहीं आई, क्या ड्यू डेट है, आपको असाइनमेंट देने हैं, आपको होमवर्क देना है, आपको प्रोजेक्ट देना है, किस बच्चे ने सबमिट किया है अभी, ड्यू डेट मैंने क्या रखी थी, पर्टिकुलर किस लास्ट डेट तक ये सब बच्चों को सबमिट करना है नहीं करना है, मुझे पेरेंट्स टीचर मीट जो है वो ऑर्गेनाइज करनी है, मुझे अपने स्टूडेंट्स का पूरा रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन ही रखना है, उनके पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना है, और इसके साथ साथ मुझे लाइव क्लासेस लेनी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आज की ली हुई लाइव क्लास 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 4 महीने बाद कैसे पता चलेगा कि उस क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, अगर मेरी सारी क्लासेस रिकॉर्ड होना शुरू हो जाए। बट इसके लिए तो बहुत सारी फोन की मेमोरी खर्च हो जाएगी ना, फिर से प्रॉब्लम आ जाती है। बट अगर मैं कहूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपकी इन बिल्ट मेमोरी में आपके सारी क्लासेस जो है, आपका जो भी असेसमेंट है वो सब रिकॉर्ड हो जाता है ऐप की इन बिल्ट मेमोरी में, आपके फोन का कुछ नहीं जाएगा। तो इतना बेहतरीन सॉल्यूशन जो है वो टीचमेंट लेके आया है टीचर्स के लिए। बेसिकली बाकी और इसके एक्स्ट्रा फीचर्स ना इस ऐप को समझाते हुए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, तो उसके लिए चलिए मैं आपको ले चलती हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों यहां पर जैसे ही आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रही हूं, अदरवाइज आप प्ले स्टोर में भी जाएंगे ना तो वहां पर भी जाकर आपको ये ऐप एज इट इज मिल जाएगा, टीचमेंट ऐप, इस पर क्लिक करेंगे और इसे डाउनलोड जो है वो आप कर लेंगे। जैसे ही डाउनलोड करने के बाद अगला इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, आप देखेंगे कि इतनी 11 भाषाओं में ये ऐप अवेलेबल है इसमें, यानी 11 लैंग्वेजेस में अदर अदर में आप एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर हिंदी रीजन के लिए ही, उन टीचर्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है। इंडिया में आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो इस ऐप से अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ले सकते हैं। जैसे ही आप इसे एक्सेस करेंगे, अपने मोबाइल नंबर से आपको इसे रजिस्टर कर लेना है। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा फॉर वेरिफिकेशन, वो करने के बाद आप इस ऐप में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अब ये आपसे पूछने वाला है कि आप कैसे रजिस्टर्ड होना चाहते हो, एज अ टीचर आपको रजिस्टर होना है या एज अ स्टूडेंट होना है। तो भाई हम तो टीचर है ना, मतलब हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इस ऐप को यूज करना सीख रहे हैं, तो एज अ टीचर हम अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर्ड कर लेंगे। उसके बाद अब टीचर है तो उसे क्या चाहिए, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यानी कि क्लासरूम, तो उसे अपनी क्लासरूम क्रिएट करनी होगी। अब ऐसा नहीं है खाली आप टीचर एक नॉर्मल स्कूल टीचर है, अगर आप ट्यूशन टीचर है, अगर आप अलग अलग कोचिंग सेंटर रन करते हैं, आप एसएससी के बच्चे को पढ़ाते हैं, आप एनडी के बच्चों को पढ़ाते हैं, आप किसी 11-12 की मैथ्स पढ़ाते हैं, तो अलग अलग वैसे ही आप यहां पर बैचेस जो है वो क्रिएट कर ले। और इसमें बैचेस क्रिएट करना भी बेहद आसान काम है। आपने क्या है, आपने क्लासरूम लिख दी कि भाई मैं एसएससी के बच्चों को यहाँ पे पढ़ाना चाहता हूं। उसके बाद आपको सब्जेक्ट मेंशन करने होंगे कि किन किन सब्जेक्ट्स को आप इसमें कवर करेंगे। तो मैंने लिख दिया कि चलो भाई मैं एसएससी में मैथ्स भी पढ़ा लूंगी, वैदिक मैथ्स भी पढ़ा लूंगी, और भाई साइंस भी पढ़ा लूंगी, मतलब जो जो इसमें ऑप्शंस आते रहे आप लोगों को डेमो दिखाने के लिए कि किस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं, जितने भी उसके सब्जेक्ट्स हैं ना उनके ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने कि कौन कौन से सब्जेक्ट के आप बैचेस जो है इसमें क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए जनरल साइंस आ रहा है, होम साइंस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप टीचमेंट के साथ कैसे काम करें, एज ए ट्यूटर यहां पर काम कर रहे हैं, कोचिंग क्लासेस हैं आपकी, या स्कूल इंस्टीट्यूशन चला रहे हो, या हॉबी चला रहे हो, हॉबी क्लासेस हैं, मतलब सबसे अच्छी बात यह है ना कि खाली टीचर्स तक नहीं है। अगर आप डांस सिखा रहे हो, अगर आप सिंगिंग सिखा रहे हो, आप कुछ भी सिखा रहे हो, आप ऑनलाइन आके सिखाना चाहते हो, ठीक है, तो इस ऐप पे रजिस्टर करके वो सब काम जो है वो आप कर सकते हो इजीली। और उसके बाद बस आपकी क्लासरूम जो है वो क्रिएट हो गई। यहां पर आपको आईडी दिख रही है, ये आईडी आपको जिन स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हैं उन स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिए, दैट्स ऑल, इतना सा काम है, और आप अपनी क्लासेस लेना शुरू कर दीजिए। इसके और भी बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स हैं जो आपको समझने बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट क्लासरूम्स जो है आप क्रिएट करते रहते हैं तो आप उसी हिसाब से पर्टिकुलर क्लास का पूरा टाइम टेबल शेड्यूल कर सकते हैं, अपनी क्लास को शेड्यूल कर सकते हैं कि आज नहीं कल मेरी क्लास 10 बजे शुरू हो, तो 10 बजे आप इसमें अपनी क्लास को शेड्यूल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको ग्रो करने का ऑप्शन दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है जो आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वहीं तक आप रिजेक्ट होने वाले हो। इसके साथ साथ आप अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, यह आपको ग्रो करने का मौका दे रहे हैं। गूगल सर्च पर आप आ जाओगे, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा, जिस लेवल पे आप
आप हो उससे कहीं ज्यादा ऊपर पहुंच जाओगे, क्योंकि आप तो सब चीजें ऑफलाइन ऑफलाइन मोड पे चलने के खुश हो, बट यहां पर आप अपनी खुद की एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, वहां पर अपनी इंक्वायरी दे सकते हैं। गूगल पे जब भी कोई सर्च करेगा तो वहां से डायरेक्ट आपकी क्वेरीज आ जाएंगी। आप लोगों के हमेशा प्रॉब्लम्स होती है कि मैम स्टूडेंट्स कहां से आएंगे, तो डायरेक्ट जब लोग आपके बारे में सर्च करेंगे तो वहां से वो डायरेक्ट आपको कॉल करके पूछेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए आप लोग इंटरेस्टेड है। तो दिस इज द मेन मोटिव। उसके साथ साथ आप टीचमेंट के डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं यहां पर जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको डिफरेंट कम्युनिटी मिल जाएगी टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, जिन्हें अलग अलग कैटेगरी के बच्चे पढ़ाने के लिए चाहिए। तो यहां से आपको बहुत सारी लीड्स मिल सकती हैं। और बहुत सिंपल है इसके साथ काम करना, कि अगर आप, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है ना कि यार हम लोग अपना पैसा कैसे लेंगे, तो देखिए यहां पे आपको अपना जो बैंक अकाउंट है वो लिंक कर देना है और बस। जब भी कोई ट्रांजेक्शन करेगा यूपीआई के थ्रू या किसी भी मोड से, सीधा आपके अकाउंट में आपका पैसा पहुंच जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि इनका हेल्प एंड सपोर्ट सिस्टम, अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आ रही है इस ऐप को यूज करने में, तो इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी हुई है, इन पे जाइए, क्वेश्चन पूछिए धड़ाधड़। आपके मतलब प्रॉब्लम के लिए भी ये लोग बैठे हैं, अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन ये लोग आप लोगों को दे देंगे। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम और यूजिंग सो मेनी एप्स, आप लोग सिंगल ऐप पे काम करिए और ऑनलाइन टीचिंग को बेहतर तरीके से सीखिए। क्योंकि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर एनर्जी यहां वहां वहां इतने एप्स, क्या सीखूं क्या ना सीखूं, कैसे क्लासेस लूं, कैसे वीडियोस बनाऊं, इट इज बेटर कि आप अपनी सही और सारी एनर्जी जो है वो बच्चों को पढ़ाने में वेस्ट करें, नहीं वेस्ट नहीं करें, यूज करें, क्योंकि तब आप बच्चों को सही डायरेक्शन में सही आउटपुट जो है वो दे पाएंगे। तो उम्मीद करती हूं एज अ टीचर अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मुझे कैसे होमवर्क देना है, कैसे असेसमेंट करना है, कैसे प्रोजेक्ट देने, कैसे होमवर्क को चेक करना है, ड्यू डेट, सैलरी, फीस, किसी चीज को टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। टीचमेंट सब संभाल लेगा, आपका काम है सिर्फ बच्चों को मन लगा के पढ़ाने का। तो उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए एक्सट्रीम हेल्पफुल रही होगी। तो अगर रही है और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाएंगे, साथ ही साथ इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, तभी तो मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। Thank you so much guys, thank you so much for coming to my channel.